तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि हुकूमत हमारे मैंडेट चोरी करने का एतराफ़ करे तो बात आगे बढ़ सकती है, जुम्मे को एहतजाज लाजमी होगा। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर जी। नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी अयाज सादिक साहब ने तो एक्शन ले लिया, सर मुअत्तल कर दिए कुछ, और आप पाकिस्तान के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते सर, क्योंकि अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, हर शेर ही परेशान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात यह है कि दो सियासी पार्टियां या MQM पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले आए हुए हैं, तो चोरों के साथ हम लोग इस वक्त कैसे बैठे हैं? तो वो पहले एडमिट करें, इस चीज़ का इकरार करें उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। वो किसके बलबौते पे आए हैं उसका इकरार करें, इकरार जुर्म करें, तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। सर अगर जुम्मे को आप लोगों को रोका जाता है तो हम लोगों ने कौन सा कोई ऐसी चीज़ की है? हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी पार्टियां क्या नहीं कर सकती हैं? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टियां, बिल्कुल होगा हमारा इंशाल्लाह प्रोटेस्ट। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उमर अयूब का कहना है कि एहतजाज जो है वो जरूर होगा। ठीक है नवाब शेर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।